आई एम योर साइट फैजी फ्रॉम मुबारक डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर आया हूँ और वह टॉपिक है इट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात हो या एग्जाम की, इस टॉपिक को आपको सीखना ही पड़ता है। गाइस, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि इट का प्रयोग कब, कहां और कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पा सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इट की परिभाषा क्या थी है, इट का प्रयोग कहाँ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इट एक प्रोनाउन है जिसका प्रयोग निजी वस्तु, दिन, महीना, साल, मौसम, समय, तिथि इत्यादि में बताने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मौसम के बारे में कि मौसम के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहें। तो चलते हैं इस कार्य। मौसम, अगर मुझे कहना हो कि वर्षा होती है, राइट, वर्षा होती है, ये टेंस प्रेजेंट इनफिनिट का है तो उसके माध्यम से बनाएंगे। बट बात आती मौसम की, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर मौसम की बात आ जाए तो तुरंत आप लगाएंगे इट। तो इट लगाते हैं और ये प्रेजेंट इनफिनिट का है तो रैंस कर देंगे, इट रैंस, इट रैंस। अगर फ्रेंड्स मुझे कहना हो कि जोर से हवा चल रही है, जोर से हवा चल रही है, फिर भी आप वही पुट करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, इट और है तो एक चीज जोर से हवा चलने को ब्लोविंग कहते हैं, इट इज ब्लोविंग, जोर से तो हार्ड लगाएंगे, इट इज ब्लोविंग हार्ड। अब मुझे कहना हो कि वर्षा हो रही थी तो आप लिखेंगे वर्षा हो रही थी, तो ये प्रेजेंट पता है तो आप देखेंगे इट वाज, था जी है तो आप इट वाज हो रही है तो रेनिंग, इट वाज, इट वाज रेनिंग हो गया। अब मुझे अगर कहना हो कि जोर से हवा चल रही थी, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको कहना हो कि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है, आप कहेंगे गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो पहले आप पुट करेंगे क्योंकि इट ये मौसम बात आ गई तो आप पहले इनपुट करेंगे इट इज बर्निंग गेटिंग, इट इज गेटिंग, ये गेट और गेटिंग का यूजेज है, मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा गेट के बारे में, बट सबसे पहले यहाँ फोकस करें ये कैसे बनेगा। इट इज गेटिंग क्या गर्मी तो हॉट, इट इज गेटिंग हॉट, दिन प्रतिदिन कहते हैं डे बाय डे, डे बाय डे। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कि चांदनी रात है, आप कहेंगे इट इज मून लाइट नाइट। ये रहा मौसम को बताने के लिए, अब हम देखेंगे दिन को कि दिन के बारे में मौसम को कैसे कहें, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कि आज सोमवार है तो किस किससे कहेंगे, आइए आज सोमवार है। मैंने आपको बता दिया था कि दिन या मौसम महीना के बारे में आ जाए तो सबसे पहले आप इट लगाएंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब, सो इट इज और तुरंत ये आप लगाएगा, सबसे पहले सोमवार लिखेंगे इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे।
और कुछ लोग कहते हैं कि टुडे इज मंडे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपको करेक्ट इंग्लिश बोलना है तो आपको इट का प्रयोग करना ही होगा, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इट का प्रयोग। अब मुझे कहना हो कि कल शनिवार था, राइट, कल शनिवार था, तो आप कहेंगे कल शनिवार था। फिर आप भाई इट लगाएंगे, इट वाज संडे, और कल यानी कि बीत चुका है यस्टरडे, इट वाज संडे यस्टरडे। मुझे कहना हो कि क्या कल बृहस्पतिवार है, यानी कि आपको कल कहना है, तो कहेंगे क्या कल बृहस्पतिवार है। तो ये इंटरगेटिव का सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप लाते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड देन इट। तो यहां बुलाऊंगा इट, सॉरी आप लगाएंगे इज इट, इज एंड देन इट, इज इट विडनेस देन टुमारो, कल का है टू मारो। ये रहा इट के कुछ छोटे यूजेस, अब मैं बताऊंगा आपको कि समय टाइम को इंग्लिश में कैसे बताएं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बिग प्रॉब्लम है स्टूडेंट की कि समय को टाइम को इंग्लिश में बता नहीं पाते, बट मैं आज आपको सिखाऊंगा कि समय को इंग्लिश में कैसे कहें। आइए देखते हैं, जैसे कि आइए हम लोग टाइम के बारे में देखते हैं कि टाइम को इंग्लिश में कैसे कहें कि 8:30 बजे हैं, 9:15 बजे हैं, ये सब आप एग्जाम्पल माध्यम से देखेंगे। आइए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि 7 बजा है, राइट, 7 बजा है। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि समय की बात आ जाए आप तुरंत क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। तो इट इज सेवन ओ क्लॉक, ओके। अब मुझे कहना हो कि 7 बजने वाला है, इसे किससे कहेंगे, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया यहाँ पे, बजने वाला को आप जस्ट आंस लगाएंगे, तो आप लगाएंगे 7 बजने वाला है, आप कहेंगे इट इज बजने वाला है, तो जस्ट आंस लगाएंगे इट इज जस्ट ऑन 7 o'clock। अगर आपको कहना हो कि 8:15 बज रहा है, राइट, 8:15 बज रहा है, तो आप कहेंगे 8:15 बज रहा है, आप कहेंगे इट इज क्वार्टर, बता आपको इट इज क्वार्टर पास्ट 7, पहले इट लगाए फिर हेल्पिंग वर्ब, अब सवा के लिए आप लगाते हैं इट, राइट, सवा में आप क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखवा लिया क्वार्टर पास्ट। अगर आपको कहना हो कि 7:45 बज रहा है, तो आप कहेंगे 7:45 बजा है, आपके यहाँ 7:45 बजा है, तो पहले आप लगाएंगे इट एंड देन 7:45 के लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:45। जब भी आपको कहना हो कि 9:09 बजा है, 7:07 बजा है, 10:10 बजा है, तो इसी के माध्यम से कि आप इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, तो इट इज 7:45 को इट इज 1:45, राइट, इट इज 1:45 क्या बजा है 8, राइट। अब अगर मुझे कहना हो कि 7:30 बजा है, 9:30 बजा है, तो आइए मैं इसके बारे में देखता हूं, मुझे कहना है 7:30 बजा है, तो 7:30 की आप 1:30 का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले इट इज
इट इज हाफ पास्ट क्या सेवन, इट इज हाफ पास्ट सेवन। अब मुझे नेक्स्ट कहना है, अक्सर आप कहते हैं कि आठ बजने में पांच मिनट बाकी है, नौ बजने में दस मिनट बाकी है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहें। ये बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी, आप घबराइए मत कि इतना लंबा सेंटेंस नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसी यूजेज से इससे कि इसको कैसे सेंटेंस को पूरा करें। तो आइए देखते हैं, सात बजने में पांच मिनट बाकी है, राइट, पांच मिनट बाकी है। आप देख सकते हैं सात बजने में पांच मिनट बाकी है, तो सबसे पहले आप एक पुट करेंगे इफ, और इफ अब ये पहले आपको उठाना है मिनट को, लास्ट में जाए पांच मिनट, सबसे पहले आप इसी को पुट करेंगे इट इज फाइव मिनट, इट इज फाइव मिनट्स, इट इज फाइव मिनट्स एंड देन आवर्स घंटा को, इट इज फाइव मिनट्स टू सेवन सेवन। अब मुझे कहना है कि आठ हो गया है, जैसे आप कहने हैं कि आठ बजा है, तो आप कहेंगे इट इज ओक्रा। ये रहा आपको इट का प्रयोग, और साथ ही साथ समय टाइम का प्रयोग कि इस टाइम को समय को कैसे कहें। अब बात आती है प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए। सो फ्रेंड्स, जब भी आप वाच को देखते हैं तो सबसे पहले आप इंग्लिश में थिंकिंग करें, ना कि हिंदी में, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश में थिंक करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इसलिए ऐसे ही होती जाएगी। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप डेली बोलिए, तो सबसे पहले आप जब भी देखते हैं वाच को या कोई भी चीज, तो आप इंग्लिश में ही सोचें। अब मैं आपको कमेंट बॉक्स में पांच या छह सेंटेंस दूंगा, उसको आप बनाना है इंग्लिश में, समय के बारे में दूंगा, टाइम के बारे में दूंगा, और जैसे कि दिन के बारे में, कि मुझे मैं जान सकूं कि आपने मेरी वीडियो से क्या सीखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।